आज हम बात करने वाले हैं गौतम गंभीर के लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में, कितना उनके करियर में उतार और चढ़ाव होता है, ये सारी बातें करेंगे हम उनके करियर की, उनके लाइफ के बारे में गौतम गंभीर के। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्मदिन से। तो उनका जो जन्म हुआ न्यू दिल्ली में 18 दिसंबर 1981 को उनका जन्म होता है न्यू दिल्ली में। उनके फादर का नाम है दीपक गंभीर। दीपक गंभीर जो थे वो एक टैक्स कंपनी में काम किया करते थे और उनकी माँ एक हाउस वाइफ थी। उनकी माँ एक हाउस वाइफ थी जो घर के अंदर काम करती थी। गौतम गंभीर जब 18 दिन के हुए तब उसके बाद में गौतम गंभीर के दादा और दादी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। उनके दादा और दादी के पास वो रहते थे, उन्हीं के पास ही वो स्कूल और वगैरह सारी चीज़ें वो उन्हीं के पास रह के करते थे। गौतम गंभीर ने जो अपनी स्कूल की पढ़ाई की है वो मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की, वहीं पर ही वो पढ़े। और जब वो 10 साल के हुए गौतम गंभीर जब 10 साल के हो जाते हैं तो उनके अंदर क्रिकेट खेलने का एक जुनून, एक शौक पैदा होता है जिसे उनके दादा और दादी ने देखा और उन्होंने उनके मामा जो थे पवन गुलाटी के पास उन्होंने भेज दिया। पवन गुलाटी एक बहुत अच्छे ज़्यादा बहुत क्रिकेट के शौकीन थे। पवन गुलाटी जो उनके मामा थे उन्होंने उसके गौतम गंभीर के अंदर क्रिकेट की जिस तरीके की उनके अंदर खेलने की भूख थी उसकी वजह से उन्होंने एक प्रोफेशनल कोच को उनके पीछे लगा दिया, उनको प्रोफेशनल कोच हायर कर दिया जिनका नाम था संजय भरद्वाज और राजू, जो इनकी कोचिंग किया करते थे उनके और उन्हें सुबह सुबह उठाकर उन्हें लेके जाया करते थे लाल बहादुर एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में वो जाके प्रैक्टिस किया करते थे गौतम गंभीर उनके साथ। तो उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसी के एक साल के अंदर उनका सिलेक्शन नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर के अंदर हो जाता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक बहुत बड़ी एकेडमी बेंगलोर की जिसके अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है, मगर उन्हें पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव होता है जिसकी वजह से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं हिंदू कॉलेज से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई की उन्होंने, कॉलेज की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और क्रिकेट में भी उनका पूरा ध्यान रहता था। क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा खेलते थे, रणजी ट्रॉफी वगैरह खेला उन्होंने। उसके बाद में जो उनका जो सबसे पहला उन्हें जो मौका मिलता है वो 2003 में बांग्लादेश के अगेंस्ट में टीवीएस कप में उन्हें मौका मिलता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं वो बांग्लादेश के अगेंस्ट में, जिसके तीसरे ही मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाता है। गौतम गंभीर बांग्लादेश के अगेंस्ट में ओडीआई में डेब्यू करते हैं और 2004 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हैं गौतम गंभीर। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में उन्हें मौका मिलता है ओपनिंग करने का और काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं जिसकी वजह से उन्हें श्रीलंका के अगेंस्ट में खेलने का मौका मिलता है। श्रीलंका के अगेंस्ट में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट क्रिकेट से थोड़ी समय के लिए निकाल दिया जाता है बाहर, कुछ थोड़ा सा नीचे उनका जो करियर रहता है वो थोड़ा नीचे डाउन हो जाता है। 2005 और 2007 से दो साल के अंदर वो ODI खेलते हैं। ODI में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उन्हें 2007 के ODI वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं होता है उनका और काफ़ी मायूस होते हैं गौतम गंभीर सिलेक्शन ना होने की वजह से और थोड़े से सैड हो जाते हैं, मगर सिलेक्शन नहीं होता है मगर वो मायूस नहीं होते क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट का जुनून काफ़ी ज़्यादा हद तक रहता है जिससे वो प्रैक्टिस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर उन्हें मौका मिलता है उसी साल 2007 में ही ODI मैचेस रहते हैं, ODI सीरीज रहता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिस टीम के अगेंस्ट उनका डेब्यू हुआ था ODI में उसी टीम के अगेंस्ट में उन्हें मौका मिलता है फिर से अपने करियर को संवारने का। और गौतम गंभीर इतनी ज़बरदस्त पारी खेलते हैं उसके अंदर और उस मैच में, उस सीरीज़ में वो मैन ऑफ द सीरीज़ बन के आते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है बांग्लादेश के अगेंस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बेस पे उन्हें 2007 के T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट कर लिया जाता है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होते हैं और काफ़ी अच्छी पारी खेलते हैं। आपको फाइनल मैच तो याद होगा किस तरीके से उन्होंने खेला और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बनते हैं मैन उन्हें उस T20 वर्ल्ड कप का। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं गौतम गंभीर। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद में ऐसा लगता है कि उनकी करियर जो है वो आसमान छूते चले जाता है। 2008 2009 में जितनी भी सीरीजें होती हैं बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तीन टीम के अगेंस्ट में उन्होंने ODI में मैन ऑफ द सीरीज लिया, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया जिसकी वजह से उन्हें 2009 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उन्हें। 2009 में बेस्ट टेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिलता है उन्हें 2009 में, काफ़ी अच्छी पारी खेलते हैं। और 2010 में गौतम गंभीर को इंडिया टीम का कैप्टन बना दिया जाता है एक सीरीज के लिए।
जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होती है, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज को गौतम गंभीर जीतते हैं और प्लस मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं, उस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका। और गौतम गंभीर का जो सपना रहता है ODI का वर्ल्ड कप खेलने का, दो 2007 में पूरा नहीं हो पाया, मगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2008, 2009, 2010 कंटिन्यू परफॉर्मेंस देने के बाद में 2011 में उन्हें मौका मिलता है ODI वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने का, वन डाउन बैटिंग करने का उन्हें मौका मिलता है। और आपने फाइनल की वो मैचेस देखी, 122 गेंदों पे 97 रन, काफी धुआंधार पारी और काफी मेहनत वाली पारी थी जिसके बेस पे टीम इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को जीता। गौतम गंभीर ने काफी अच्छी पारी खेली उसके। और 2012 में जो T20 वर्ल्ड कप होता है, 2012 में जो T20 वर्ल्ड कप होता है उसके अंदर गौतम गंभीर को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है। गौतम गंभीर 2012 के T20 वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन बनते हैं। T20 2012 के बाद में गौतम गंभीर को इंटरनेशनल में ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं, जिसके बेस पर वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करने लगते हैं और डोमेस्टिक कंटिन्यू खेलने लगते हैं। और उसके बाद IPL में 2011 के IPL में वो सबसे ज़्यादा महंगे, सबसे महंगे प्लेयर का प्लेयर बनते हैं। KKR उन्हें 2.4 मिलियन में खरीदती है, सबसे हाईएस्ट प्लेयर बनते हैं। और 2014-2016 का जो IPL की ट्रॉफी होती है KKR को उन्होंने जिताया, अपनी कप्तानी में उन्होंने जिताया 2014-2016 में। और अभी इस साल 2024 में वो KKR के साथ में थे, KKR के कोच थे और उन्होंने KKR को फाइनल तक लेके गए और फाइनल में वो जीते। 2024 का भी IPL KKR ने जीता। और अब उनके जो अचीवमेंट्स होती है, उनके करियर में एक और चांद लग चुका है जो उन्हें टीम इंडिया का न्यू हेड कोच बना दिया गया है। BCCI की तरफ से गौतम गंभीर को टीम इंडिया का न्यू हेड कोच बनाया गया है। तो गौतम गंभीर की लाइफ जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव, नीचे ऊपर रही है। काफ़ी मैचेस से वो बाहर गए, काफ़ी मैच से वो इन आए, टेस्ट से बाहर चले गए, ODI में मौका नहीं मिला, T20 में ज़्यादा मौका नहीं मिला, मगर उस बंदे ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा हमेशा वो लगे रहे, हमेशा अपने क्रिकेट को लेकर हमेशा अपने कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे। 2000 आपने इससे पहले देखा होगा कि जो वो कोचिंग कर रहे थे गुजरात टाइटेंस को, वो गुजरात टाइटेंस उस साल फाइनल भी जीती और उसके नेक्स्ट ईयर वो फाइनल में आए और इस साल वो IPL की ट्रॉफी जीते KKR के जो मैच कोच थे वो। तो गौतम गंभीर की लाइफ के बारे में हमने बताया, आपको किस तरीके का हमारा वीडियो लगा तो दोस्तों कमेंट में हमारे ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए अपडेट हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं।